आइए भक्तों, बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं स्कंद माता की पावन संगीतमय कथा। स्कंद माता की ये कहानी भक्त सुन लो, बड़ी पुरानी करे कल्याण जी। हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। स्कंद माता की ये कहानी भक्त सुन लो, बड़ी पुरानी करे कल्याण जी। हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। हरती है सबकी ये कथा, सुनो स्कंद माता की कथा। भक्तों, नवरात्रि के पांचवें दिवस पूजी जाने वाली मंगलकारी देवी स्कंद माता कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्कंद माता कार्तिकेय की माता है, जो पार्वती माता का ही शक्ति स्वरूप है। तो आइए सुनते हैं उनकी पावन संगीतमय कथा। पांचवी देवी है स्कंद माता, गौरा माँ से इनका है नाता। कार्तिकेय की माँ कहलाई, गौरा की शक्ति माँ बन आई। देवी बल और विजय दिलाती, इनकी शक्ति जग में ऐसी बड़ी महान जी। हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। मैया का पंचमन रत्ना, माँ स्कंद माता की जय हो। मैया का पंचमन रत्ना, माँ स्कंद माता की जय हो। कथा के अनुसार जब सती मैया ने अग्नि कुंड में अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब शिव जी को बहुत आघात पहुंचा था और वो गहन साधना में लीन हो गए थे। उसी समय असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देव घबराकर शिव जी की शरण में आ गए। दानव तब देवों को सताते, ऋषियों को हानि पहुंचाते। तब होती थी धर्म की हानि, बहता लहू था बनकर पानी। ऐसा बढ़ता अत्याचार, देखो सच पे पड़ती मार। बुरा था हाल जी, हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। मैया का पंचमन रत्ना, माँ स्कंद माता की जय हो। मैया का पंचमन रत्ना, माँ स्कंद माता की जय हो। उसी समय दानव सेना का अधिनायक ताड़ का सुर था भक्त, जो बहुत पापी और अन्यायी था, तथा त्रिदेवों को प्रसन्न कर उसने अनेक अनेक शक्तियां ग्रहण की थी और अब वो भयंकर शक्तिशाली होकर देवताओं को और भी सताने लगा था। आगे क्या हुआ सुनते हैं। ताड़ का सुर दानव अन्यायी, देवों से करता था वो लड़ाई। पापी वो देवों को मारे, त्राही त्राही देव पुकारे।
उसने सबको क्रोध दिखाया, राज्य अपना और बढ़ाया। कर विस्तार जी हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। तो इस तरह भक्तों, उस ताड़का सुर ने देवों को बड़ा सताया। इस राक्षस के वध का हल भगवान शिव के पास था, क्योंकि ताड़का सुर केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। परंतु भगवान शिव तो सती के दुख में ब्रह्मचारी हो चुके थे। शिव के तप को कैसे रोके, उनकी साधना कौन है टोके। दानव सब उत्पात मचाते, हम देवों को बहुत सताते। फिर सब पहुँचे शिव के द्वारे, झोली अपनी देव पसारे। कहते हाल जी हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने गौरा से विवाह करने के लिए हामी भर दी भक्त। परंतु समस्या संतान होने की थी, क्योंकि शिव की ओजस्वी ज्योति के आगे आखिर किस नारी के गर्भ की शक्ति टिक सकती थी। ये प्रश्न तो देवों के आगे बार बार खड़ा हुआ था। कामदेव ने खेल रचाया, ऋतुओं को अनुकूल बनाया। तब शिव गौरा प्रणय हुआ था, कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तब ही पाई थी संतान, ज्योति वीर बड़ी बलवान, शूर महान जी हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। तो देखा आपने भक्तों, कार्तिकेय जी का जन्म अत्यंत रहस्यपूर्ण ढंग से हुआ था। जब पार्वती से आभावेग सहा नहीं गया, तब अग्निदेव ने वो प्रकाश गंगा में फेंक दिया था। वही प्रकाश पुंज कृतिकाओं ने पाला और वही कार्तिकेय भगवान बने। पालन पोषण तब ही हुआ था, शिव गौरा ने जान लिया था। शिव गौरा तब आश्रम आए, ऋषि पत्नी से पुत्र को पाए। धन्य माँ वो पालनहार, जिसने किया था ये उद्धार। बनी थी बात जी हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा।
भक्तजनों, वरदान के अनुसार भगवान कार्तिकेय महान योद्धा बने। शिव पार्वती का प्यार दुलार पाकर वो यौवन अवस्था में आए, तब वो रणभूमि में पहुंचे और करोड़ों दानवों को काल का ग्रास बना दिया। अब बारी थी अंतिम युद्ध की। फिर जो छिड़ी थी ऐसी लड़ाई, ताड़ कसुर की शामत आई। अभिमानी का वध कर डाला, देवों का संकट सब था टाला। दानव सब ही मार गिराए, पुष्प देवों ने बरसाए, हुई जयकार जी। हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन पड़ी है ये कथा। कार्तिकेय जी ने ताड़ का सुर का वध कर दिया भक्तों, सभी देव हर्षा गए। पृथ्वी का भार अन्याय से जो बढ़ गया था भक्तों, उसका भी निदान हो गया। इस प्रकार ऐसे पुत्र को जन्म देकर माँ गौरा स्कंद माता कहलाई। नवरात्रि के पंचम दिन इन्हीं देवी की पूजा होती है। जीते ये भक्तों को है दिलाती, शौर्य की देवी माँ कहलाती। जिसने ऐसे वीर को जन्मा, रक्षा करती ये दाती माँ। जिसकी ममता बड़ी महान, विजय का देती सबको दान, बनाती बात जी। हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। तो भक्तजनों, त्रिनेत्रों वाली, चार भुजाएं धारण करने वाली स्कंद माता अभयता का दान देने वाली देवी कहलाती है। वह भक्तजनों को मुक्ति का फल प्रदान करती है। जो भक्त माँ का ध्यान करते हैं वो जीवन के अंत काल में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। पर्वत पर है माता विराजे, गोद में स्कंद है मैया के साजे। फूल कमल है दो हाथों में, रूप चतुर्भुज प्यारा लागे। वाहन सिंह बड़ा बलवान, देती जो सबको धन दान, करे भव पार जी। हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। तो भक्तजनों, स्कंद माता का निस्वार्थ होकर पूजन कीजिए। माता रानी के पूजन और ध्यान लगाने से आपके जन्म जन्म के सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। माता रानी अवश्य ही आपको मोक्ष का फल देंगी। आप जीवन में समस्त सुखों का भोग करेंगे। तीनों की जो बनती सहाय,
शक्ति जिसकी है फलदाई, भक्तों की जो रक्षा करती, रोग शोक सब उनके हरती। इनका जो भी धरता ध्यान, पाता बल बुद्धि और ज्ञान, बड़ी महान जी हरती है सबकी ये व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। नव दुर्गा के पावन नवरात्रों में पंचम दिवस हमें स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। भक्तों, स्कंद माता की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर स्नान कराएं, माँ का 16 श्रृंगार करें और माँ के प्रिय भोग उनके चरणों में समर्पित करें। माता का श्रृंगार सजाओ, फल से फूलों से माँ को मनाओ, धूप दीप ने वेद्य चढ़ाओ, मैया की तुम कृपा पाओ। साथ में गणपत को दो स्थान, संग में करो इनका गुणगान, हो भव पार जी हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। प्यारे भक्तों, स्कंद माता का विधिवत पूजन बांझ स्त्रियों को संतानें प्रदान करता है। साथ में दुर्गा सप्तशती का 40 का पाठ और स्कंद माता के विधिवत मंत्रों का जाप करने से स्कंद माता अपने प्रिय भक्तों को मुक्ति दान देती है। तो मैया की जय बोलिए। मंत्र 40 जो भी पढ़ता भय न पाता, वो नहीं डरता, मैया कृपा अपनी लुटाए, भव सागर से पार लगाए। बांझों को देती संताने, मैया खोली अपने खजाने, भरती दात जी हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा। पांचवें नवरात्रि में मैया के पूजन में बिल्व पत्र, कलश, फल फूल इत्यादि अर्पण करने चाहिए। पूजा आरती करने के पश्चात माता को केले का भोग लगाना चाहिए। मैया स्कंद माता को केले का भोग अत्यंत रुचिकर होता है। भक्तों, केले का इन्हें भोग लगावे, साथ में ब्राह्मण को भी जिमावे, माता का श्रृंगार सजाए, चरणों का हम ध्यान लगाए। कर लो मन से तुम गुणगान, कर लो चरणों का तुम ध्यान, सुन लो बात जी
हरती है सबकी ये व्यथा, पावन पड़ी है ये कथा। भक्तजनों, हमने महा दुर्गा के पंचम रूप स्कंद माता की पावन संगीत में कथा आपको सुनाई है। मैं आशा करता हूँ इस कथा के श्रवण से आपके जन्म जन्म के पाप कर्म नाश हो जाएंगे। यदि कथा सुनने में कहने में कोई त्रुटि रह गई हो तो स्कंद माता हमें क्षमा का दान दे। महिमा जो भी माँ की गाथा सुनता, जो ये कथा है सुनाता, महिमा जिसकी है फलदाई, भक्तों को है ये सुखदाई, देती वर मुक्ति का सबको, दिखलाती ये स्वर्ग है सबको, लीला महान जी हरती है सबकी माँ व्यथा, पावन बड़ी है ये कथा।